हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग फतेहनगर। मोबाइल नंबर 7568077458। क्लास टू, सब्जेक्ट जीके, चैप्टर 8, लेक्चर नंबर 8। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस लेक्चर देन यू जस्ट नीड टू राइट इन योर नोटबुक। व्हेनेवर योर स्कूल क्लासेस विल बी ओपन, यू कैन क्लियर टू रिलेटेड टीचर। अगर आपको इस लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट होता है तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी क्लासेस ओपन होंगी तब आप अपने रिलेटेड टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ब्यूटिफुल कलर्स, सुंदर रंग। BEAUTIFUL, ब्यूटिफुल। COLOURS, कलर्स। ब्यूटिफुल कलर्स, ब्यूटिफुल का मतलब होता है सुंदर, कलर्स का मतलब होता है रंग। ब्यूटिफुल कलर्स का मतलब हुआ सुंदर रंग। WEVLIVE, लिव। INN, अ। BEAUTI, ब्यूटी। FUL, फुल, ब्यूटिफुल। AND, एंड। COLOUR, FUL, कलरफुल। WORLD, वर्ल्ड। वी लिव इन अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड, हम एक सुंदर और रंगीन दुनिया में रहते हैं। LOOK, लुक। AROUND, अराउंड। YOU, लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखें। HOW, हाउ। MANY, मैनी। DIFFERENT, डिफरेंट। COLOURS, कलर्स। CAN, कैन। YOU, SEEC, सी। हाउ मैनी कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स कैन यू सी, मतलब वी लिव इन अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड, लुक अराउंड यू, हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स कैन यू सी। हम एक सुंदर और रंगीन दुनिया में रहते हैं, हमारे आसपास कितने कलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल का जो बोर्ड है वो कौन से कलर का है, वाइट कलर का। हमारी टेबल्स जो हैं वो कौन से कलर की हैं, ब्राउन कलर की। ओके, हमारी वॉल्स जो हैं, दीवार जो है क्लासरूम की, वो कौन से कलर की है, वाइट कलर की, राइट। हमारी जो बुक है उसका कवर कौन से कलर का है, ब्राउनिश रेड, ब्राउनिश येलो कलर का, राइट। तो हमारे आसपास कितनी अलग अलग रंग की चीज़ें होती है। नाउ लेट्स सी, FILL, फिल। INN, THE, द। WITH, विथ। THE, द। CORRECT, करेक्ट, मतलब सही। COLOUR, कलर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलर, सही कलर के नाम के साथ हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन। डैश इज द, IS इज, THE, द। NAME, नेम। OF, ऑफ। अ। FRUIT, फ्रूट। ASS, WELL, वेल। ASS, अ। COLOUR, कलर। THAT, दैट। COMES, कम्स। BETW, EN, बिटवीन। RED, रेड।
A N D and Y E L L O W yellow, I N N A R A I N rain, B O Y bow, rainbow. Dash is the name of a fruit as well as color that comes between red and yellow in a rainbow. Now you can see a picture, right? Which fruit it is? It is a orange, right? So the name of the fruit is orange and the color is also orange. अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? Dash is the color, is the name of a fruit as well as a color that comes between red and yellow in a rainbow. यहाँ पे लिखा है कि ये उस कलर का नाम है या एक फ्रूट का नाम है जो रेनबो होता है ना, उसके रेड कलर और येलो कलर के बीच में आता है. तो कौन सा कलर हुआ वो? ऑरेंज. ओके, ऑरेंज कलर. एंड ऑरेंज इज़ अ फ्रूट ऑल्सो. ऑरेंज एक कलर भी है और एक फ्रूट भी है. नाउ एज यू नो दैट आर दैट वी कैन सी डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट विच हैव द नेम ऑफ कलर ओनली. ओके, अब हमें पता है कि काफ़ी सारी ऐसे फ्रूट्स होते हैं, सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनका कलर और नाम सेम होता है. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन. डैश आई एस इज टी एच ई द एन ए एम ई नेम ओ एफ ऑफ अ डी ए आर के डार्क कॉमा वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू येलो सी ओ एल ओ यू आर कलर ए एस एस डब्ल्यू ई एल एल वेल ए एस एस अ एस ई ई डी सीड यानी बीज. ओके, फ्रॉम विच एफ आर ओ एम फ्रॉम डब्ल्यू एच आई सी एच विच ओ आई एल ऑयल यानी तेल ए एन डी एन एस ओ यू सी ई सॉस आई एस इज एम ए डी ई मेड. Dash is the name of a dark comma yellow color as well as a seed from which oil and sauce is made. ये एक ऐसा नाम है जो डार्क कलर में होता है येलो कलर के आसपास और जिसका नाम एक सीड पे भी रखा है. इससे इस सीड से ऑयल यानी तेल भी बनता है, खाने का तेल बनता है और सॉस भी बनते हैं. सो द नेम इज मस्टर्ड, एम यू एस टी ए आर डी मस्टर्ड. ओके, मस्टर्ड जो होता है वो एक ब्लैक और येलो कलर का डार्क सा कलर होता है. उसके अंदर से जो वो जो सीड्स होते हैं वो सेम कलर के होते हैं और साथ ही में इससे इस सीड से तेल भी बनता है और सॉस भी बनता है. ओके, नाउ थर्ड इज अ एच ओ एल आई डी ए वाई हॉलीडे आई एस इज एम ए आर के ई डी मार्क्ड इन आई एन इन डैश ओ एन ऑन अ सी ए एल ई एन डी ए आर कैलेंडर. अ हॉलीडे इज मार्क्ड इन डैश ऑन कैलेंडर. आप लोगों ने सबने कैलेंडर देखा है ना,
कैलेंडर जो होता है उसमें कौन सा कलर होता है, कैलेंडर में जो छुट्टियां होती है जिसमें हमारी छुट्टियां लिखी होती है वो कौन से कलर से मार्क होती है, रेड कलर से। नाउ लेट्स सी द कैलेंडर, लेट्स सी अ कैलेंडर, लुक दिस इज़ अ कैलेंडर। इसमें जो हॉलीडेज़ हैं वो कौन से कलर से मार्क की हुई है, रेड कलर से, जैसे कि 5th इज़ अ संडे, संडे को क्या होता है, छुट्टी होती है। 12th इज़ ऑल्सो अ संडे, 12th को भी संडे, संडे मतलब छुट्टी होती है, रविवार। 19th, 26th इज़ अ हॉलीडे। ये पुराना कैलेंडर है, ओके तो इसके अंदर छुट्टियाँ दी हुई है जो संडे की है, ओके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। 4th पॉइंट, अ जेड ई बी आर ए ज़ेब्रा एच ए एस हैज़ डैश एंड ए एन डी एंड डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट एस टी आर आई पी ई एस स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स का मतलब होता है लाइनें, धारियाँ, ओके। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ ज़ेब्रा हियर, दिस इज़ अ ज़ेब्रा। ज़ेब्रा में दो कलर्स की स्ट्रिप्स होती हैं, एक होती है वाइट और दूसरी होती है ब्लैक, ओके। सो अ ज़ेब्रा हैज़ ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक एंड वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट स्ट्रिप्स, एस टी आर आई पी ई एस। ज़ेब्रा में दो स्ट्रिप्स होती हैं, एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की, ओके। ज़ेब्रा जो है एक एनिमल है, ओके। ज़ेब्रा जो है वो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये एक घोड़े के जैसा या घोड़े की ही प्रजाति का जानवर होता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, टी एच ई द सी ओ एल ओ यू आर कलर ओ एफ ऑफ टी एच ई द ओ यू टी आउट एफ आई टी एस फिट्स आउटफिट्स, मतलब कपड़े, ठीक है, जो हम पहनते हैं उन्हें कपड़े बोलते हैं। डब्ल्यू ओ आर एन वॉर्न मतलब पहने, बी वाई बाय टी एच ई द आई एन डी आई ए एन इंडियन टी ई ए एम टीम आई एन एन ओ एन ई वन डी ए वाई डे सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट आई एस एस बी एल यू ई ब्लू। द कलर ऑफ द आउटफिट वॉर्न बाय द इंडियन टीम इन वन डे क्रिकेट इज ब्लू, बी एल ई डब्ल्यू ब्लू। इंडियन क्रिकेट टीम की कॉस्ट्यूम कैसी है, आउटफिट या ड्रेस कैसा है, ब्लू कलर का। और कौन से मैच के लिए पहने जाता है, वो सिर्फ वन डे मैचेस के लिए, ठीक है। डैश आई एस इज अ सी ओ एल ओ यू आर कलर आई एन एन टी एच ई द आर ए आई एन रेन बी ओ वाई बो रेनबो ए एस एस डब्ल्यू ई एल एल वेल ए एस एस टी एच ई द एन ए एम ई नेम ओ एफ ऑफ अ एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। डैश इज़ अ कलर इन द रेनबो एज वेल एज द नेम ऑफ अ फ्लावर। ये एक
रेनबो का कलर है जिसका नाम फ्लावर पे भी होता है, फ्लावर भी इसी नाम का होता है। कौन सा कलर होता है? वायलेट, VIOLET, वायलेट। वायलेट एक ऐसा कलर है जो रेनबो में भी होता है और वायलेट नाम से एक फ्लावर भी, एक फूल भी होता है। आई हैव टोल्ड यू इन दी बिगनिंग दैट देर आर सो मैनी नेम्स ऑफ कलर्स विच आर ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो, फ्लावर्स ऑल्सो एंड सीड्स ऑल्सो। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे कलर्स के नाम होते हैं जो किसी फ्रूट के नाम भी हो सकते हैं, किसी कलर के नाम भी हो सकते हैं, किसी फ्लावर के नाम भी हो सकते हैं या फिर किसी सीड के नाम भी हो सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, अ पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स इज कॉल्ड अ डैश ग्रॉसर। अब रीड करते हैं, अ PERSON पर्सन, WHO हु, SELLS सेल्स, VEGE TABLES टेबल्स वेजिटेबल्स, ISIS CALLED कॉल्ड अ डैश GROCER ग्रॉसर। ओके, जो व्यक्ति वेजिटेबल्स सेल करता है या वेजिटेबल्स बेचता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रॉसर, GREEN, ग्रीन GROCER ग्रॉसर, ग्रीन ग्रॉसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। This is the next page of your book in the chapter. Now, what is written over here? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? COLOUR, color, THE, the, RAIN, rain, BOW, rainbow, WITH with, THE the, CORRECT correct, COLOUR okay, color the rainbow with correct colors. Now this is a rainbow. I have colored for you, colored this rainbow for you. Okay, so now see, rainbow has one, two, three, four, five, six, seven colors. Okay, rainbow में कितने colors होते हैं? Seven colors होते हैं, from down to up. Colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. रेम्बो में 7 कलर होते हैं। रेम्बो मतलब इंद्रधनुष, जो बारिश के टाइम में हमें दिखता है. ओके, नाउ नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो रेनबो में कैसे कलर्स आते हैं? सबसे पहले आता है वायलेट यानी बैंगनी, ग्रीन सॉरी वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज
यानी नारंगी कलर, रेड यानी लाल कलर, ओके। तो आपको ये कलर्स ऐसे ही इसमें फिल करने हैं, ओके। और ये कलर्स के नाम भी याद रखने हैं। इन कलर्स के नाम को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी हैव टू डू टू रिमेंबर दीज नेम्स ऑफ द कलर इन सीरीज ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, रेड। वी विल टेक फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच कलर, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच कलर, ओके। लाइक वायलेट वी, इंडिगो आई, ब्लू बी, ग्रीन जी, येलो वाई, ऑरेंज ओ, रेड आर, ओके। अब इनको याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे कि ये कलर कैसे सीरीज में आते हैं, कैसे एक के बाद एक कलर आता है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हर वर्ड का एक लेटर, हर शब्द का एक अक्षर ले लेंगे, पहला अक्षर, ठीक है। जैसे वायलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ, रेड का आर। इन सबको साथ में लिखेंगे तो कैसे बन जाएगा, विबग्योर, क्या नाम बनेगा, विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर, ओके। Alright. Now, let's see this. I, मतलब मैं, C-A-N, can, S-E-E-C, a, R-A-I-N, rain, B-O-Y, bow, rainbow. I can see a rainbow. मैं एक इंद्रधनुष देखता हूँ। H I G H, high, मतलब बहुत ऊपर, up मतलब ऊपर, I N N T H E, the, S K Y, sky, मतलब आसमान में, तो क्या हुआ, high up in the sky, आसमान में बहुत ऊपर, I can see a rainbow High up in the sky, मैं एक रेनबो देख सकता हूँ आसमान में बहुत ऊपर, S E V E N, seven, P R E T T Y, pretty, मतलब प्यारे, C O L O U R S, colors, seven pretty colors, सात प्यारे रंग, O H O I, मतलब मैं, W I S H, wish, T H A T, that, I, C O U L D, could, F L Y, fly, O I wish that I could fly, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उड़ जाऊँ। The complete one would be, I can see a rainbow high up in the sky, seven pretty colors, oh I wish that I could fly. मैं एक रेनबो देखता हूँ ऊँचे आसमान में, उसमें सात pretty colors देख के मुझे लगता है, मैं wish करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं उड़ जाऊँ आसमान में, ओके। नाउ नो विद डेरिक, टी ओ टू आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेंबर, टी एच ई द, सी ओ एल ओ यू आर एस, कलर्स, ऑफ ओ एफ ऑफ, टी एच ई द, आर ए आई एन बी ओ वाई, रेन रेनबो, आई एन इन,
T-H-E, C-O-R-R-E-C-T, correct, O-R-D-E-R, order, to remember the colors of rainbow in the correct order, R-E-M-E-M-B-E-R, remember, T-H-E, the, W-O-R-D, word, V-I-B, G-Y-O-R, Vibgyor. To remember the correct colors of the rainbow in the correct order, remember the word Vibgyor. रेम्बो के सही कलर्स को सही लाइन में याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखना है विबग्योर, जो मैंने अभी आपको बताया था. विबग्योर का मतलब होता है V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड. ओके, सो what you will do today, you have to fill these colors of Vibgyor in this rainbow. Starting from down to up, it will be violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. आपको आज क्या करना है कि इस रेनबो में आपको नीचे से ऊपर इसी सीरीज में कलर्स भरने हैं या रंग भरने हैं. क्या क्या रंग है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 8. ओके, ब्यूटिफुल कलर्स. थैंक यू फॉर जॉइनिंग द लेक्चर. हैव अ वंडरफुल डे.